चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की जो हम कल्पना करते हैं, उन सभी कल्पनाओं को हकीकत में हमारा चंद्रयान 3 बदलता हुआ दिख रहा है। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग करके इतिहास रच दिया था। आज उसने चंद्रमा पर पूरे 10 दिन गुजार लिए हैं, यानी चांद का आधे से ज्यादा दिन उसने पूरा कर लिया है। इस दौरान विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कई शानदार खोज की हैं, कई नई बातें बताई। इन सभी नई नई बातों से चांद पर इंसानी बस्ती बसाना सपना नहीं, अब सच लगने लगा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं हमारे चंद्रयान 3 ने अब तक जो खोज की है उससे चांद पर इंसानी बस्ती बसाने में कैसे मदद मिलेगी। इंसान अगर चांद पर रहना चाहे तो ये खोजें उसको जीने में कैसे मदद करेंगी और वो चांद पर इनसे क्या क्या बना पाएगा। प्रज्ञान रोवर ने 29 अगस्त 2023 की रात ये खुलासा किया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में ऑक्सीजन है। ये काम उसमें लगे LIBS पेलोड यानी यंत्र लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने किया है। इस यंत्र को सिर्फ चांद की सतह पर मौजूद खनिजों और रसायनों की खोज और पुष्टि के लिए भेजा गया है। लिप्स चांद की सतह पर तीव्र लेजर किरणें फेंककर उससे निकलने वाले प्लाज्मा का एनालिसिस करता है। ये लेजर किरणें बेहद तीव्रता के साथ पत्थर या मिट्टी पर गिरती हैं। इससे वहां पर बेहद गर्म प्लाज्मा पैदा होता है, ठीक वैसा ही जैसा सूरज की तरफ से आता है। प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी ये बताती है कि सतह पर किस तरह के खनिज या रसायनों की मौजूदगी है। ऑक्सीजन मिल गया है, हाइड्रोजन की खोज जारी है। ये दोनों मिलकर पानी बना सकते हैं, यानी चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ये ही चांद पर जीवन स्थापित करेंगे। विक्रम लैंडर में लगे खास थर्मोमीटर ने बताया था कि चांद की सतह के ऊपर और सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे यानी करीब 4 इंच नीचे तक का तापमान में बड़ा अंतर है। लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने ये काम किया था। चास्टे ने चांद की ऊपरी सतह पर तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच दिखाया था। वहीं 4 इंच जमीन के नीचे पारा -10 डिग्री सेल्सियस पर था। यानी भविष्य में चंद्रयान 3 की इस रिसर्च के आधार पर शायद इंसान चांद पर गड्ढों में घर बनाकर रहने का विचार करें, क्योंकि इंसान के रहने के लिए -10 डिग्री तापमान एक उत्तम तापमान है। अगर इंसान चांद पर रसायनों और खनिजों को मनमाफिक बदलने के यंत्र ले जाए तो वो बहुत सारी चीजें चांद पर ही बना सकता है। उनका वही इंसानी बस्ती बसाने में मदद ले सकता है। आइए जानते हैं कैसे और किस तरह से। सल्फर, चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सल्फर मिलने की पुष्टि की है। ये हल्के पीले रंग का रसायन है जो इलेक्ट्रिसिटी का कमजोर कंडक्टर है, पानी में घुलता नहीं है। ये सोना और प्लेटिनम को छोड़कर सभी धातुओं से रिएक्ट करता है जिससे सल्फाइड्स बनता है। अब आप सोच रहे होंगे चांद पर इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। सल्फर की मदद से एसिड, फर्टिलाइजर, कार बैटरी, तेल रिफाइनिंग, पानी की सफाई, खनिजों के खनन में इस्तेमाल होता है। यानी सिर्फ यंत्र लेकर जाना है, वहीं पर ये सारी चीजें संभव हो सकती हैं। एल्यूमिनियम, चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर भारी मात्रा में एल्यूमिनियम भी मिला है। यानी इंसान के पास सैकड़ों प्रकार की चीजें बनाने का सामान मिल गया है चांद पर। इनसे एस्ट्रिजेंट बनता है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट की मदद से कांच बनाया जाता है, सिरेमिक, पल्प या पेपर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, पेंट, वार्निश, धातु की प्लेट जैसी चीजें बनाई जाती है। ये हल्का और मजबूत होता है। इनसे गाड़ियां, बर्तन, खिड़कियां या इंसानी बस्ती की दीवारें, छतें आदि बनाई जा सकती हैं। यानी इनका इस्तेमाल इंसानी बस्ती में बेहतर तरीके से हो सकता है।
कॉइल्स बनाए जा सकते हैं, केन्स बनाई जा सकती हैं, फॉइल्स बनाए जा सकते हैं। कैल्शियम, चंद्रयान 3 ने पाया कि चांद पर कैल्शियम की मात्रा भी पर्याप्त है, यानी इनका इस्तेमाल कई तरह के मेडिकल प्रोडक्ट्स में हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से सीमेंट या मोर्टार बनाया जा सकता है, कांच बनाने में मदद ली जा सकती है, टूथपेस्ट में डाला जा सकता है, दवा, खाद्य पदार्थ बनाने, पेपर ब्लीच, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स और साबुन बनाने में मदद मिल सकती है। लोहा, चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लोहा मिलने की पुष्टि हुई है। ये ऐसा तत्व है जो पूरी पृथ्वी, हर जीव, हर इंसान में पाया जाता है। ये हमारे खून में भी है और जमीन की मिट्टी में भी। इसका इस्तेमाल तो कहां नहीं किया जाता, दवाओं में, ढांचे बनाने में, यातायात के सामान यानी कारें, जहाज, विमान बनाने में, युद्ध के मैदान में। इससे आप बर्तन बनाओ या बम, हर जगह सही रहता है। इमारतें बनाओ या घर के सामान, निर्माण कार्यों में लगाओ या इंसानी शरीर में डालो, अमोनिया प्रोडक्ट बनाए या फिर चुंबक बनाने में। दुनिया में एल्यूमिनियम के बाद सबसे ज्यादा लोहा ही पाया जाता है, ऐसी ही उम्मीद चांद से भी है। क्रोमियम, चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर क्रोमियम मिलने की भी पुष्टि हुई है। ये शरीर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स को खा जाता है, मोटापा घटाता है, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, डायबिटीज नियंत्रित करता है, कई तरह के एलॉयज बनाने में मदद करता है, जैसे स्टेनलेस स्टील, लेदर प्रोडक्ट की टैनिंग में मदद करता है। मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है जो लोहा और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर कई तरह के शानदार उत्पाद बना सकता है। ये इंसानों के काम की चीज है। टाइटेनियम, दुनिया का सबसे मजबूत और हल्के वजन की धातु, ये भी चंद्रयान 3 को चांद पर मिला है। इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर बनाने में होता है। इसे बुलेट प्रूफ जैकेट और आर्मर प्लेटिंग में इस्तेमाल करते हैं। नौसैनिक जहाजों को बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, यानी एयरोस्पेस, मेडिकल, केमिकल, मिलिट्री और खेल के सामान बनाने में इसका पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। मैंगनीज, ये भी चंद्रयान 3 को चांद पर मिला है। इसका इस्तेमाल औद्योगिक और बायोलॉजिकली होता है। इंसानी शरीर में ये कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है, हड्डियां मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, कांच बनाने में पिगमेंट्स और बैटरी बनाने में इस्तेमाल होता है, स्टील को डीऑक्सीडाइज्ड करने और एल्यूमिनियम को मजबूत बनाने में मदद करता है, फर्टिलाइजर्स बनाने, जानवरों का खाना, पानी का ट्रीटमेंट करने वाला रसायन बनाने में मदद करता है। सिलिकॉन, चंद्रयान 3 को चांद पर मिले इस पदार्थ का इस्तेमाल धरती पर कई तरह से किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट और बिल्डिंग मोर्टार बनाने में, सिरेमिक्स बनाने में, बॉडी इम्प्लांट्स बनाने में, जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, कॉन्टेक्ट लेंस, एलॉयज बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्टील बनाने में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सिल्यूमिन बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर्स आदि। कुल मिलाकर कहानी ये है कि चांद पर जितनी भी चीजें मिली हैं या चंद्रयान 3 खोज रहा है, वो इंसान को चांद पर बसाने के लिए काफी हैं। लेकिन उससे पहले हमें वहां रहने के लिए सबसे जरूरी दो चीजों की जरूरत है, ऑक्सीजन युक्त हवा और पानी। वहां के वायुमंडल में ये पैदा तो नहीं होंगे, हमें ही बनाना होगा। यानी संभव है चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भविष्य में भारत सबसे पहले चांद पर इंसानी बस्ती बनाए और इन सब चीजों को वहां से भविष्य में भारत भी लाया जाएगा। आपको चंद्रयान 3 की इन बड़ी बड़ी सफलताओं के बाद कैसा लग रहा है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। चंद्रयान 3 पर लगातार आगे भी अपडेट्स आते रहेंगे, इसीलिए
अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।